बैक टू द चैनल। आज है संडे, संडे की सुबह के करीब 10:30 बज रहे हैं। तो मेरा बेटा गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं जाऊंगी उसको लाने के लिए अभी। तो आप सोचेंगे कि आज संडे है, वो ट्यूशन गया हुआ है, वो क्या ना कि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसलिए मैम ने, उनकी जो ट्यूशन टीचर है, उन्होंने कहा कि नहीं संडे है तो क्या हुआ, आज भेज दीजिए, उनका एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगी। एक्चुअली क्या ना, एग्ज़ाम चल रहे तो एक दिन भी गैप नहीं दिया, कंटिन्यू एग्ज़ाम चला जा रहा है। सो इस वजह से वो आज ट्यूशन गया है, तो मैं जाऊँगी उसको लाने के लिए ट्यूशन। सडनली मैम ने फ़ोन किया, बोला उनका टेस्ट चल रहा है अभी, तो अब थोड़ी देर के बाद आई हूँ। तो इसलिए मैं गई नहीं, वो तो कुछ खा के चला गया था। मुझे भी थोड़ी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, भूख सी लग रही है, तो मैं अभी कुछ खाऊंगी। अभी मैं रात की रोटी बची हुई है तो मैंने दही लेके आया हुआ है, तो मैं दही और रोटी खाऊँगी। जब तक कि मैम फ़ोन नहीं करती, मैं तब तक मैंने सोचा कि चलो कुछ सब्ज़ियाँ जो है दाल में डालने के लिए वो काट लेती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ सब्ज़ियों को। सब्जियों को काटते काटते मैम का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि उनका टेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो आप आकर के ले जाइए सोहम को। तो अब मैं जाती हूँ, उसको लेकर के आती हूँ, फिर लंच बनाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ सोहम को लेकर के ट्यूशन से, और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। आज थोड़ी देरी हो गई बनाने के लिए, मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी कि कब पता नहीं मैम फ़ोन कर दे और मुझे जाना पड़े, इसलिए ना मैं राइस चढ़ा पा रही थी और ना मैं कुछ कर पा रही थी। तो अभी मैं झटपट बना लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो चलिए बनाते हैं लंच, और मैं मिक्स वेज दाल बनाऊंगी आज।
7 बज गए हैं, तो मैं रात के खाने के लिए भिंडी और आलू का भुजिया बना रही हूँ, और नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। तो हमारा रात का खाना बन चुका है गाइस। मैंने बनाया रोटी और वही आलू भिंडी का भुजिया, और दिन में जो वेज दाल बनाया था वो है। सो